एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट इंग्लिश वर्ब। इंग्लिश में आज हम कर रहे हैं अल्फाबेट के। कैपिटल लेटर के, स्मॉल लेटर क। क क क कैंगरू इज क क क किट कैट। कैंगरू को क्या फेवरेट है? किट कैट चॉकलेट, जो मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। तो क क क काइट, क क कैटल, क क क की। तो बच्चे पहले करेंगे आप रीडिंग वर्क, रीडिंग वर्क के बाद आप करेंगे नोटबुक में। नोटबुक में आज आपकी मैम क्या ड्रॉ करके लेके आई है, कौन सी एक्टिविटी ड्रॉ की है? क क क काइट। और नीचे मैंने क्या किया, ऊपर तो मैंने हाफ पार्ट पर, हाफ पेज पर काइट ड्रॉ किया है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड व्यंजन। और बच्चे साथ में मैंने नीचे जो आपके 11 अल्फाबेट हो चुके हैं वो मैंने नीचे आपके साथ में लिख भी दिए हैं, ताकि मेरे बच्चों के डेली इसके साथ में रिविजन भी होती रहे कि उस कौन से अल्फाबेट के बाद में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो बच्चे साथ साथ में आप डेली 11 अल्फाबेट की साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, रिटर्न रिविजन करेंगे साथ साथ में। आपकी एक्टिविटी भी हो गई, साथ में आपने 11 अल्फाबेट भी साथ में लिख लिए। तो बच्चे नोटबुक में वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाती हूँ। बोर्ड पर आज आपकी मैम ने बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया हुआ है? क क क काइट। तो बच्चे हम कैसे लिखते हैं, पहले हम वर्क की फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद हम वन के ऊपर जाएंगे, फिर हम बैलून की शेप देंगे। बैलून बनाने के बाद यहां से आप स्लांटिंग लाइन, जैसे आप ए लिखते हैं स्लांटिंग लाइन, और फिर ऊपर पूंछ, एलिगेटर की पूंछ ऐसे ऊपर, ठीक है ऐसे। फिर से ब ब ब बेबी या ह ह ह हॉर्स, बैलून बनाएंगे, स्लांटिंग लाइन एंड पूंछ। फिर से ब की फॉर्मेशन, वन ऊपर जाएगा, बैलून की फॉर्मेशन, फिर आप स्लांटिंग लाइन एंड ऊपर पूंछ। फिर से क क क कैटल। ओके, ये है बच्चे आपका क। ऐसे ही आप लिखेंगे अब नोटबुक में। नोटबुक में आप ऊपर एक्टिविटी लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, नीचे आप 11 अल्फाबेट साथ साथ में डेली प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे क क क कैटल, क क क काइट, क क क कैंगरू, क क क की। ऐसे बच्चे आपने रिटर्न का वर्क ये कंप्लीट करना है, और आप नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। ये आपका वर्क आएगा ओनली 3 लाइंस में, जैसे आप ब लिखते हैं, जैसे आप ह ह ह हॉर्स लिखते हैं, ये आपका 3 लाइंस में ही वर्क आएगा ये अल्फाबेट। तो बच्चे ये था आपका फर्स्ट वर्क, अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्क।